Hey everyone, this is Dr. Neha. I welcome you in Dr. Neha's Health Awareness. So, आज का वीडियो स्पेशली टीनेज को डेडिकेट है. इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं फेस पे, अगर छोटा सा भी कुछ पिंपल हो गया हो, कोई ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो गया हो. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिर्फ ब्लैक हेड और व्हाइट हेड के ऊपर, उनका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, होम रेमेडीज क्या हो सकते हैं, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज जो टीनेज के पर्सन हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, अगर छोटा सा भी कुछ ब्लैक हेड या व्हाइट हेड जैसा उनको दिख जाता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और उससे ज्यादा कंडीशन और वर्स कर लेते हैं. तो भाई रियल ब्यूटी लाइज विद इन यू. आप इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहो, केयर करना जरूरी है लेकिन स्ट्रेस इतना ज्यादा, एक दो क्योंकि आपकी एज ऐसी है, एक तो पिंपल्स के लिए, एक तो व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेस लेना भी सही नहीं है क्योंकि एज ऐसी है टीनेज की कि आप में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, उसके कारण जो हमारे पोर्स हैं वो ज्यादा ऑयल सेक्रीट करेंगे और एज ए रिजल्ट आपको ब्लैक हेड्स भी होंगे, व्हाइट हेड्स भी होंगे, एक्सेप्ट इन फ्यू कंडीशंस या केसेस कि जिनका ड्राई स्किन है या फिर जेनेटिक्स अच्छी है जिनकी, उनमें ये नहीं होता है. सबसे पहले व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड के ऊपर आने से पहले ये जानना जरूरी है कि चीजें क्यों होती हैं. तो सबसे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो हमारा टी जोन होता है, आपका फोरहेड, नोज और ये चिन एरिया, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, हमारे पोर्स होते हैं और उनमें क्या होता है हेयर फॉलिकल और एक होता है आपका सीबेशियस ग्लैंड जिसे कहते हैं ऑयल ग्लैंड, जो कि ऑयल सीबम प्रोड्यूस करती है जिसे हम जनरली ऑयल बोल देते हैं. तो नॉर्मली वो तो करती है कि स्किन की लुब्रिकेशन के लिए, लेकिन ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस लाइक हार्मोनल चेंजेस एज इन टीनेज कंडीशंस राइट, या फिर अदर कंडीशंस लाइक प्रेगनेंसी, उसमें भी आपके हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं ठीक है, या फिर कुछ और कारण है कि जेनेटिकली आप में वो चीजें हैं या फिर आपके डाइट सही नहीं है, तो कुछ कारणों से वहां पर ऑयल की प्रोडक्शन जब ज्यादा हो जाती है तो वो ऑयल या तो आपके पोर के ऊपर आकर स्किन से वो क्लोज हो जाता है ठीक है, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड कॉमेडोन, जिसे जनरली हम व्हाइट हेड बोल देते हैं क्योंकि उसका कलर व्हाइट सा होता है ठीक है, या फिर वो जो ऑयल है या फिर डेड स्किन पार्टिकल्स है वो आपके पोर के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और जैसे ही वो एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो ब्लैकिश नजर आते हैं हमें, वो हमें लगता है कि इससे डर्ट गंदगी फंसी होती है, लेकिन वो डर्ट नहीं होती है, वो एयर ऑक्सीडाइज हो गया होता है आपका सीबम, उसके कारण वो ब्लैक दिखाई देता है. सो दिस इज द रीजन कि क्यों होते हैं ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स. और नाउ अब इसके जो है कैसे हम कुछ एक होम रेमेडीज हैं या फिर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है एक तो बार बार जब अपना फेस वॉश करना प्लीज बंद करें. दिन में दो बार फेस वॉश करना ठीक है, लेकिन अगर बहुत बार आप बार बार फेस वॉश करते हैं उससे नेचुरल जो ऑयल है जो चाहिए होता है हमारी बॉडी को लुब्रिकेट करने के लिए, हमारी फेस की स्किन को लुब्रिकेशन के लिए, वो रिप्लेस हो जाता है और एज ए रिजल्ट जो हमारी ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड है, उसे ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करना पड़ता है और जिससे कई बार वो ट्रैप हो जाता है आपके पोर में और व्हाइट हेड्स हो जाते हैं या ब्लैक हेड्स आपको हो जाते हैं. तो दो बार दिन में फेस वॉश करना ठीक है, इससे ज्यादा बार आप नहीं करें. सेकंड, आपको डेफिनेटली सन से भी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, आपको डस्ट से भी प्रोटेक्शन चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. थर्ड, डाइट इज इंपॉर्टेंट. अगर आप ज्यादा ही ऑयल ग्रीस्ड डाइट लेते हैं या फिर रिफाइंड एंड फ्राइड आप ज्यादा लेते हैं, आपका वाटर इनटेक कम है, तो ये एक मेन फैक्टर बनता है आपके व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स का. नेक्स्ट, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका डाइजेस्टिव इशू आपको रहता है, आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, उससे भी कई बार हम देखते हैं कि आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड सी नजर आती है और वहां पर ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड्स की संभावना ज्यादा रहती है ठीक है. तो ये कुछ कारण होते हैं. अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, तो वही मैंने बताया कि आपको फेस वॉश सिर्फ दिन में दो बार क्लींस करना है, उसके बाद आप कुछ ऐसा फेस वॉश यूज करें जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड जो कि एक्सफोलिएंट्स का काम करते हैं वो पड़ा हो, जैसे कि जैसे आता है सेल्सिक नाम से एक फेस वॉश आता है, वो भी ठीक है, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं. अगर आप कोई मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं तो वो आप ध्यान रखें कि जेल बेस्ड ही आप प्रोडक्ट्स यूज करें अपनी फेस के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर टेंडेंसी ऑयली जो स्किन जिनकी होती है उनको ही होती है ब्लैक हेड और व्हाइट हेड होने के लिए. तो आप जेल बेस्ड ही प्रोडक्ट यूज करें, ज्यादा ऑयली प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे तो वो अगेन आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा ही. स्क्रबिंग आपको ज्यादा नहीं करनी है, हार्शली अपनी स्किन को आपने स्क्रब नहीं करना है, बहुत ही जेंटल वे में करना है, और मेकअप आप कम से कम
यूटिलाइज करें, फाउंडेशन वगैरह का कम से कम यूटिलाइज करें। अगर आपको मेकअप करना भी है तो ये जरूर ध्यान रखें कि नाइट पर अगर आप सोने जा रहे हैं तो वहां आपका मेकअप उतरा हुआ चाहिए, आपको क्लींज करके ही सोना है। और क्लींजिंग भी आप अल्कोहल बेस्ड जो क्लींजर आते हैं अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट आप होममेड पैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। टी ट्री ऑयल इज बेस्ट इन दिस कंडीशन। टी ट्री ऑयल को एलोवेरा जेल में आप मिक्स डायरेक्ट आप नहीं अप्लाई करें, आप एलोवेरा जेल में टी ट्री ऑयल की 3-4 ड्रॉप्स ऐड करके वो आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, वो भी आपके जो पोर्स हैं उसको क्लींस करने का काम करता है। नेक्स्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेमन जूस। लेमन जूस भी आप एलोवेरा जेल में मिक्स करके ही अपनी अपनी स्किन पे लगाएं, वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। नेक्स्ट आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा हल्दी का पाउडर 1/4 TSF हल्दी का पाउडर ऐड अप कर सकते हैं और वो भी आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब रेमेडीज से आप देखेंगे कि आपका जो वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं वो जाने वो ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इतनी सब होम रेमेडीज करने के बाद, अपनी डाइट ठीक करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तब हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। कभी भी खुद से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करें अपने व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स को, क्योंकि उसके कारण वहां पर स्कैरिंग हो सकती है और वहां पर निशान पड़ सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले आता है एक्सट्रैक्शन। जो कॉमेडोन एक्सट्रैक्टर होता है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आपके व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स, ठीक है। उसके बाद उसको अच्छे से क्लींस कर दिया जाता है, और या फिर हमारे पास केमिकल पील्स रहती हैं या फिर लेजर ट्रीटमेंट रहता है, उससे भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अदरवाइज हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं कि आपको या तो सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, या फिर जैसे आयुर्वेदा में हम नीम को प्रेफर करते हैं, नीम का आपको फेस पैक दे दिया जाता है, उससे भी नीम भी बहुत अच्छा क्लिनजिंग एक्शन करता है, या मंजिष्ठा या लोदर से युक्त जो फेस वॉशेस होते हैं वो आपको प्रिस्क्राइब हम कर देते हैं। नहीं तो हम मेडिसिन जो इस्तेमाल होती है जैसे कि डैपलिन जेल है, लेकिन इसको हम अवॉइड ही करते हैं। बहुत ज़्यादा कोई सीवियर कंडीशन है उसमें ही हम प्रीफर करते हैं, क्योंकि इससे स्किन सेंसिटिव हो जाती है। इसके अलावा आप त्रिफला का पाउडर 1 चम्मच रात को सोते वक्त गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, वो भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगा और जिससे कि बार बार अगर आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स का इशू है तो वो ठीक हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड्स। होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच।